वही अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी को देखते हुए गलत चीजों का सहयोग लेने लग जाती है और इसके तहत ही अमित शाह के वीडियो को एडिट करके गलत ढंग से दिखाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया। इसके आगे प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंदिरा सरकार में बदलाव किया, आर्टिकल 350 हटा कर रखा और लगातार उसका दुरुपयोग किया, लेकिन बीजेपी कभी भी संविधान के साथ कोई बदलाव नहीं करती। लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो छत्तीसगढ़ के चुनाव अंतिम चरण में है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसके पश्चात हम सब फ्री होंगे और आने वाले चरणों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन कामों में करें। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है, राजनीतिक दल के कामों में, कार्यों में या नेताओं के प्रवास में कहें गति बढ़ती है, वो अपने कामों को धरातल तक ले जाकर आम जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में मामला दूसरा है कि जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव आगे बढ़ रहा है, अपनी स्थिति को नाकाम देखते हुए वो झूठ और षड्यंत्र की राजनीति की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार आम जनता को दिग्भ्रमित करके उसका राजनीतिक लाभ किस तरीके से कर सकें, इसके अनेक प्रयास जिसको हम सब लोगों ने आप सबके सम्मुख भी रखा है, चुनाव आयोग के सम्मुख भी रखा है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या वास्तव में लोकतंत्र के लिए, वास्तव में आम जनता के लिए चुनावों के अंदर में इस तरह की चीजों का सहयोग लेना या इस तरह की चीजों का प्रयोग करना उचित है या नहीं है, ये कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है।